हरिनाथ मंदिर में जल अभिषेक के लिए संबल जाते हुए 548 शिव सैनिक हुए गिरफ्तार। जिला कार्यालय पर एकत्रित होकर की जमकर नारेबाजी। श्री हरिनाथ मंदिर को मुक्त कराने का लिया संकल्प। प्रदेश पदाधिकारियों सहित अन्य जनपदों के जिला प्रमुख रहे मौजूद। श्री हरिनाथ मंदिर को मुक्त कराने का संकल्प लेते हुए जल अभिषेक के लिए प्रदेश प्रवक्ता शरद कपूर व जिला प्रमुख गुड्डू सैनी के नेतृत्व में संबल कूच का प्रयास किया। प्रशासन के रोके जाने पर 548 शिव सैनिकों ने अपनी गिरफ्तारी देते हुए मंदिर की मुक्ति का संकल्प दोहराया। इससे पूर्व जिला कार्यालय पर भारी संख्या में शिव सैनिक जल अभिषेक के लिए एकत्रित हुए। महानगर के साथ ही संगठन के अन्य जिलों से आए पदाधिकारियों का साथ मिलने से शिव सैनिकों का हौसला काफी बढ़ गया। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए शिव सैनिकों ने दोनों हाथ उठाकर श्री हरिनाथ मंदिर की मुक्ति का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला प्रमुख गुड्डू सैनी ने कहा कि मुरादाबाद मंडल के जनपद संबल में भगवान श्री विष्णु को समर्पित ऐतिहासिक श्री हरिहर मंदिर स्थित है। उक्त मंदिर का निर्माण अपने जल अभिषेक के समय भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा किया गया था। मुगल द्वारा उक्त मंदिर पर कब्जा करके उसके स्वरूप को विकृत कर मस्जिद का रूपन देने का प्रयास किया गया है। उक्त मंदिर की मुक्ति के लिए शिवसेना की ओर से पिछले वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। महानगर प्रमुख मुरादाबाद मनोज कुमार, राज्य सचिव बाबा कुशल सिंह, भवानी सेना जिला अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सिरोही, जिला वरिष्ठ उप प्रमुख विनोद कुमार सिरोही, राकेश कुमार प्रजापति महानगर प्रमुख युवा सेना, कपिल देव जिला कार्यालय प्रभारी, ठाकुरदास सैनी जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष उद्योग एवं व्यापार सेना समरपाल सिंह, राजेंद्र कश्यप, तिलक सैनी, अनिल कुमार, मुकेश वर्मा, रवि कुमार, राजेश सैनी, रिंकू आदि मौजूद रहे। हरिहर मंदिर जो संबल में स्थित हरिहर मंदिर है उस पर जल चढ़ाने के लिए जाता है जिसे प्रशासन रोक लेता है, क्योंकि जो पिछली बार हुआ था वही इस बार हुआ है। हमें रात पे ही नज़रबंद कर लिया है प्रशासन ने और हमसे स्टेशन पे ही जा पाए। स्टेशन में आपको रोक लिया गया।